हज़रत सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया को कई अलखाब से नवासा किया। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, सुल्तान अल मशायख, सुल्तान अल औलिया और जरी जरबख्श काबिले जिक्र हैं। आपकी विलादत 9 अक्टूबर 1237 को बदायूं में हुई। आपके जद्दे अमजद सैयद अली बुखारी और नाना ख्वाजा अरब बुखारा से हिजरत फरमाकर बदायूं उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। नौजवानी ही में आपने दिल्ली का रुख किया और आपकी सोहबत ख्वाजा नजीबुद्दीन मुतवक्कल से रही और 4 मार्च 1324 को तुलुए आफ्ताब के वक्त आप हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली की सरजमीन को ओढ़ कर सो गए। आपका आस्ताना दिल्ली निज़ामुद्दीन में बंदगाने खुदा के जा खलाइक है और आपके यहाँ रोजाना बिला मजहब व मिल्लत हजारों अफराद आते हैं और अकीदत मंदों का ये मानना है कि उनके आस्ताने पर आने वालों की मुरादें पूरी होती हैं। अब तक लाखों अफराद ने यहाँ पहुँच कर फैज पाया है, जिनमें तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी काबिले जिक्र है, जिन्होंने इंतखाबी अमल से कबल निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में अपना माथा टेका था, जहाँ पर उनकी मुराद पूरी हुई। आइए ये देखते हैं कि किस तरह उन्होंने हजरत महबूब इलाही से फैज पाया। भाई, हम लोग सब मिलकर इधर आए, आने वाले 5 प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए और एक सेक्युलर सरकार बना के इस देश में सबका भला के लिए, डेवलपमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए अच्छा सरकार देने के लिए हम दुआ मांगे। सबको पता है हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह में जो भी दुआ मांगे वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हमको उम्मीद है आने वाले चुनाव में 5 प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनेगी और अच्छा सरकार, अच्छा वेलफेयर और सबको साथ लेकर आगे चलाने के सरकार बनने वाले और खासकर कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर राहुल जी ने पदयात्रा किए। इस देश को गांधी परिवार ने इतना सेवा की है, उनके परिवार में इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए देश को बचाने के लिए और आगे भी राहुल जी भी ये तरक्की करने वाले, आने वाले दिनों में देश में भी कांग्रेस के सरकार बनने वाली है। मोदी और केसीआर दोनों मिलकर जैसा मजहब के नाम पे या भाषा के नाम पे तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहा है ये नाकामयाब होने वाले है और आगे कांग्रेस अच्छा सरकार देने वाली है और हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलाने के लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। अज़हरुद्दीन नहीं, बहुत खुशी है कि आज रेवंत भाई आए हुए हैं और खुसरो भाई और जितने भी लोग यहाँ पे, बहुत एक मैं तो यहाँ पे काफ़ी, हमें 30-40 साल से मैं आते रहता हूँ क्योंकि मेरा भी चिच्चा सिलसिला है और मैं, हम लोग यहाँ पे आए और सरकार से हमारी विनती लगाई कि उन हमारे हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम कांग्रेस की सरकार ना सिर्फ तेलंगाना में और पूरे और दूसरे भी स्टेट में हम बनाएं और जैसा कि रेवंत भाई ने कहा है कि सेक्युलर सरकार बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे सबके लिए, उसके लिए हम यहाँ पे आए और सरकार से हमने यही अर्ज़ की कि हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदे, उनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, हम उनसे ये कहें, उनकी ये लगाएँ कि अर्ज़ी कि हमारे हक़ में अच्छा अल्लाह ताला से दुआ करें क्योंकि दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, कभी भी कबूल होती। हम यही चाहते हैं कि हम देश सेक्युलर रहे और हर आदमी, हर तबके का आदमी अमन और शांति से रहे।